Welcome back, friends. In the last class, we saw TN, how to find the nth term of any given AP. Okay, in today's class, we will be learning SN, means sum of n terms. Sum of n terms kya hai? Sir, humko kuch bhi nahi pata. Kuch to batao pehle. Batata hu. Now, suppose ek AP hai tumhare paas. Okay. So let start with 4. So 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10, 13 and so on. Okay. तो SN क्या होता है देखो अभी अगर बोलेंगे S2 sum of first two terms that is what 4 plus 7 that is 11 ठीक है S3 sum of first three terms that is 4 plus 7 plus 10 that is 21 S4 that is sum of first four terms that is 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus sorry till here correct ये कितना आएगा obviously 21 plus 13 बोले सर इतना तो हमको पता ही है 34 आएगा correct तो we can find out SN मतलब we could find out S2 S3 S4 अरे हाँ S1 रह गया S1 क्या होगा रे बच्चों sum of फर्स्ट वन टर्म मतलब फोर ही तो क्या आएगा सिर्फ फोर ही आएगा उसमें फोर और कुछ नहीं है ना मतलब एस वन मतलब ही क्या होता है अपना टी वन होता है वी फाउंड दैट नाउ दिस इज हाउ वी फाउंड आउट एस वन एस टू एस थ्री एस फोर ओके वी कैन फाइंड आउट एस फाइव सिक्स बट इफ दे विल टेल यू टू फाइंड आउट एस एट एस टेन एस ट्वेंटी टू देन इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब टू एड ऑल द नंबर्स इसीलिए हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया है हम लोगों ने नहीं साइंटिस्ट लोगों ने मैथमेटिशियंस ने वॉट दे हैव इन्वेंटेड अ फॉर्मूला सो विद दैट फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इन एन गिवन ए पी ओके सो एस एन का फॉर्मूला क्या है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है ये एक फॉर्मूला है इसका और एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन ठीक है नाउ देर आर टू फॉर्मूलास एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी और एस एन इज एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन तो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन में बी दैट विच वन टू यूज सर नाउ इन टी एन वी हैड अ सिंपल वी हैड वन फॉर्मूला वी वर यूजिंग द सेम थिंग बट नाउ इन दिस केस क्या यूज करना है हमको तो देखो वी हैव टू ऑलवेज गो बाय व्हाट इज गिवन टू अस एंड व्हाट डू वी वांट ओके अगर सपोज वी हैव द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म तो ऑब्वियसली ये सबसे ईजी फॉर्मूला है बट यर वी इफ यू हैव ओनली द फर्स्ट टर्म एंड वी हैव डी देखो इसके लिए क्या क्या लग रहा है इफ सपोज यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला द सेकेंड फॉर्मूला तुमको क्या क्या लग रहा है टी वन एन टी एन टी वन मतलब ही क्या होता है ए होता है करेक्ट मीन्स ए एन एन टी एन इफ यू हैव यू शुड यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज अ स्मॉल फॉर्मूला बट इफ सपोज इसके लिए क्या लग रहा है तुमको एन ए और डी सपोज यू हैव एन ए एन डी ये तीनों है तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दिस फॉर्मूला अच्छा सर हमारे पास एन है ए है डी है और तीन भी है सब कुछ है हमारे पास तो कौन सा तुम्हारे जिधर मन करे उधर जाओ ये करो तुम्हारा जो मन करे वो कर सकते हो ओके सो बेसिकली व्हाट वी सॉ टू फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग एस एन एंड हाउ टू यूज विच वन टू यूज वेन ये भी हम लोगों ने देखा नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज ओके सो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी आर 6 एंड 3 सो द फर्स्ट टर्म इज 6 ओके फर्स्ट टर्म म्हणजे ए दैट इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3
you have to find out S27. तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे Sn is equal to, अभी देखो अपने पास क्या क्या है, S27 निकालना है, n is what 27, see we have n, we have a, we have d, तो obviously हम लोग Sn का पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट, so Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 d, okay, so S27 is equal to 27 upon 2, a कितना 6 plus n minus 1, 27 minus 1, d कितना 3, करेक्ट, ये कट हो रहा है क्या, नहीं, शांत बैठो, पॉइंट में मत करो, ऐसे रखो उसको, 27 upon 2, 12 plus, ये देखो, 27 minus 1, कितना 26, करेक्ट, into 3, 78, that is 27 upon 2 into 90, that is 27 into 45, इसको कट करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर, करेक्ट, अंडरस्टूड चिल्ड्रन, फाइन, किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट रहेगा तो मुझे कॉल करके पूछेंगे, तभी के तभी, मुझे बच्चे फोन कर रहे रात को एक एक दो दो बजे, वन डे बिफोर द टेस्ट, दिस इज ओके, आई एम अवेलेबल फॉर यू, बट फॉर यू इट इज़ नॉट गुड दैट रात को तुम लोगों को डाउट्स आ रहे, अभी कल सुबह एग्जाम है एंड देन नाउ यू आर सीइंग कि ओ आई एम नॉट एबल टू डू दिस, ओ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बहुत गलत है, ओके, जब भी तुमको डाउट आएगा तभी के तभी मुझे कभी भी कॉल करो, आई एम रेडी टू आंसर योर doubts, okay, so this is 1, 2, 1, 5, okay, let's move to the next question, इसमें बहुत, इस exercise में बहुत variety है questions का, so we will try to do each and every question of the exercise, I hope you've done the homework which I had given you in yesterday's class, I'll be checking it soon, so be ready, find the sum of first 123 even natural numbers, sum of first 123 even natural numbers, that's what they are saying, so first they are talking about even natural numbers, means it will be 2, 4, 6 and so on, correct, now they are talking of first 123, matlab n kitna hai apna 123, a कितना है 2, d कितना है 2, sn is equal to, obviously see you have n, you have a, you have d, first formula n upon 2, 2a plus n minus 1 d, correct, बराबर है, फिर क्या करना है, formula में सब कुछ put करना है, बार बार नहीं सिखाऊंगा, है ना, ये मेन था कि क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 123 मींस व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट 123 मतलब ऑब्वियसली n कितना 123 है, इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब क्या, नेगेटिव में नहीं जाएगा, करेक्ट, इवन 2 4 6 एंड सो ऑन, करेक्ट, सो यू गॉट दिस, इसके ऊपर से सबसे पहले ap बना लो, ap बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल राइट a d एंड देन व्हाटएवर इज गिवन n 123 ये है, इसमें पुट करो, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बिट ट्रिकी, एग्जाम में तुम लोग फंसोगे क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तो ध्यान दो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 350, सो फ्रॉम 1 टू 350 ऑल इवन numbers, sum of all even numbers we have to find out from 1 to 350, मतलब actually कहाँ से start होगा रे, 2 से start होगा ना, और end कहाँ पे होगा, देखो 2, 4, 6 ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा, end कहाँ पे होगा, last term क्या होगा अपना 350 होगा, क्योंकि 350 is an even number, correct, at the same between
नो फ्रॉम देयर सीन फ्रॉम 1 to 350 ठीक है. सो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2. हमको क्या क्या लगता है देखो ए डी एन इन द इन बोथ द फॉर्मूलाज वी सॉ वन थिंग दैट एन इज रिक्वायर्ड एन अपॉन 2 आता है. इसमें अपने पास एन ही नहीं है करेक्ट. सो तुम बोलोगे ये क्या सर 350 एन है क्या? नहीं 350 क्या है टी एन है ना, इट इज द लास्ट टर्म. और ये क्या है टी वन है करेक्ट. अभी देखो बच्चों तुम्हारे पास टी वन है टी एन है एन चाहिए. एन मिल जाए तो तुम लोग सेकेंड वाला भी लगा सकते हो. देखो सेकेंड फार्मूले में हमको क्या क्या लग रहा था एन टी वन और टी एन. एंड इन द फर्स्ट फार्मूला हमको क्या लग रहा था एन ए एन डी. तो बेसिकली हमको एन मिलना चाहिए. एन मिलेगा तो वी कैन यूज द सेकेंड फार्मूला ऑल्सो, वी कैन यूज द थर्ड फार्मूला ऑल्सो करेक्ट. तो सॉरी फर्स्ट एंड द सेकेंड फार्मूला राइट. सो फर्स्ट यू फोकस ऑन एन. तो एन कैसा निकलेगा? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हम लोगों ने टी एन का फार्मूला, भूलेंगे नहीं, किधर भी यूज हो सकता है. सो टी एन इज इक्वल टू वॉट ए प्लस एन माइनस वन डी. यू नो टी एन क्या 350 इक्वल टू ए 2 प्लस एन माइनस वन, एन माइती नहीं डी कितना 2 करेक्ट. सो 350 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 करेक्ट. सो ये तो चला गया. सो n इज इक्वल टू 350 अपॉन 2 दैट इज हाउ मच 175. तो अभी अपने को n मिल गया 175. नाउ वी कैन ऑब्वियसली यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी नो. हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो हम लोग चलो सेकेंड वाले यूज करते हैं. अभी sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn दैट इज 175 अपॉन 2 t1 कितना है 2 प्लस tn कितना 350 ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 175 अपॉन 2 इंटू ये कितना 352. ये कट हो जाएगा 175 इंटू 176. इसको सॉल्व करो जो भी आएगा वो आंसर आएगा. समझ में आया बच्चों हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? देखो इसमें ये तुमको समझ में आना चाहिए कि इन द फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट डू वी रिक्वायर. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स. व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर एन ए एंड डी. ठीक है एन ए और डी फर्स्ट फार्मूला में लगता है. सेकेंड फार्मूला में व्हाट इज रिक्वायर्ड टी वन टी एन एंड एन है ना. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट विदाउट गेटिंग एन वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. देखो कि एन कैसे मिलेगा. तो ये जो हमने कल पढ़ा था टी एन का उसमें से हमको एन मिला एंड देन यूजिंग दैट एन यू कैन यूज इधर द फर्स्ट और द सेकेंड एंड फाइनली गेट द आंसर. ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क करके रखो. एकदम अलग सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्लिक नहीं होता जल्दी. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे यस्टरडे आई हैड गिवन यू वन क्वेश्चन, आई हैड टोल्ड यू कि भाई ये सवाल 5 बार लिख के करो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. एग्जाम में आएगा तो वैसा का वैसा आएगा, सेम टू सेम इट विल कम. तो दिस इज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कि इफ इट कम्स इन द एग्जाम इट विल कम सेम टू सेम, जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इट एट दैट टाइम. एग्जाम से बाहर आके बोलोगे कि अरे सर आपने बोला था मगर रह गया, कुछ फायदा नहीं. तभी बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं. ओके सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4. इन एन एपी द 19th टर्म इज 52. सो टी 19 इज गिवन टू यू 52 एंड 30th टर्म इज 128. टी 38 इज गिवन एज 128. Find the sum of first 56 terms. Sum of first 56 terms we have to find out. Okay? एकदम typical question है, इस type का question यही है ना? तो ध्यान से ध्यान देंगे. देखो
वी नो दैट टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी. अभी बोलोगे सर फिर से ये घिसा पिटा फॉर्मूला लास्ट क्यों है, लास्ट एक्सरसाइज का, क्योंकि देखो ना तुमको टी एन दिया हुआ है, तुमको टी एन दिया हुआ है तो तुमको यही करना है, करेक्ट. सो टी 19 इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस वन डी. सो ये कितना 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18 डी. देयरफॉर ए प्लस 18 डी इक्वल टू 52. मिल गया. सिमिलरली 38 का करेंगे. टी 38 इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस वन डी. टी 38 कितना है 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37 डी, है ना. तो नाउ वी गॉट ये मिला है और एक ये मिला है क्या, ए प्लस 37 डी इज इक्वल टू 128 ये मिला है. तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल किया था इन द लास्ट क्लास. तुम लोग बोलोगे सर हमने किया है, हमको पता है क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली ऐड करना है. मगर तुम लोग गलत फैमिली में हो, एकदम गलत फैमिली. ऐसा नहीं कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अलग कर रहे हैं. इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है. क्या करना है देखो, इसको हम लोग ऐड करेंगे. बोलेंगे सर क्या फ़ायदा, देखो अभी एडिंग इक्वेशन वन एंड टू. ओके सो लेट्स नेम दिस एज वन एंड लेट्स नेम दिस एज टू. सो व्हाट आर वी गेटिंग, ए प्लस 18 डी इक्वल टू 52, ए प्लस 37 डी इक्वल टू 128. 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180 ऐसा मिला हमको. 2a प्लस 55d इज 180 मिल गया. इसको ऐसे ही रख देंगे अभी, ठीक है. इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन 3. नाउ व्हाट डू वी वांट, हमको क्या चाहिए बेसिकली, वी वांट एस 56. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एस 56. एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन. एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी. देयरफॉर एस 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन टू 2a प्लस, मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 56 माइनस वन 55d. देखो बराबर है कि नहीं, n क्या अपना 56 है, 56 पुट किया 56 माइनस वन मिला 55, तो 2a प्लस 55d. और ये वैल्यू अपने पास डायरेक्टली है, देखो एस 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन टू इन टू कितना 180 फ्रॉम इक्वेशन 3. अभी इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट. 6 9 जार 54, 5 9 जार 45, 50 और ये 0, 5 0 4 0. सो एस 56 इज 5040. ओके होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द टैग. अभी बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है. सी इफ यू प्रैक्टिस एट होम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमको इमीडिएटली समझ में आएगा. देखो कैसा, देखो टी 19 है मतलब इधर क्या आना है 18 डी आना है, इधर क्या है टी 37 है तो क्या आना है 38 है तो 37 डी आना है, इनको ऐड करो 55 डी आएगा, करेक्ट. एंड हियर इट इज टी एस 56 तो इसका भी n माइनस वन करोगे तो अपने को क्या लगने वाले 55 लगने वाले. सिंपल लॉजिक, बट इफ यू विल डू इनफ ऑफ प्रैक्टिस एट होम देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ ऐड करना है कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है. ओके ये टाइप का क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो यही आएगा, नंबर्स बदल के नहीं आएगा. इसीलिए मैं बता रहा हूँ दिस क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम्स यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस सो दैट यू रिमेंबर
how to do it. Okay, let's move to the next question. Question number 5. Complete the following activity. ये तुम लोग खुद से कर लेना भाई. एक्टिविटी बहुत इजी एक्टिविटी, तुमको स्कूल में भी सिखाया होगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टैक्ट मी. तुम लोगों को नोट्स भी बाद में दिए जाएंगे इसके. ठीक है, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300. द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300. फाइंड इट्स 28th टर्म. करेक्ट. सो सबसे पहले इसको लेंगे. एस एन का फॉर्मूला हमको पता है क्या? एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी. सो एस 55 विल बी 55 अपॉन टू, टू ए प्लस 55 माइनस वन डी. एस 55 कितना? 3300 इक्वल टू 55 अपॉन टू इंटू टू ए प्लस 54 डी. बराबर है. इसमें से हम लोग टू कॉमन निकालेंगे. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 55 अपॉन टू एज इट इज इंटू, इसमें से हम लोग टू कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर क्या रह गया, ए प्लस 27 डी. कुछ बच्चे इतने होशियार, इतने होशियार, उन लोगों को एकदम करना रहता है कट. ले सर कट कर दिया हम लोगों ने. अरे पर ऐसा कट नहीं होता. इसकी शादी इसके साथ हो चुकी है, प्लस के साथ, प्लस के वजह से. दिस इज मैरिड टू दिस, यू कैन नॉट डायरेक्टली ओनली कट दिस. ओके, तो यू हैव टू टेक दिस टू कॉमन. टू कॉमन निकालो, एक बार टू कॉमन निकल गया फिर वो लोग उन लोगों का ब्रैकेट में देख लेंगे. टू अलग से निकल गया, मल्टीप्लाइड है. नाउ यू कैन कट. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज गोइंग टू चेंज द होल थिंग. अगर तुम लोग ये यहाँ पे कट कर दोगे तो सब रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन कट दिस. ये चला गया. और ये 55 का क्या करेंगे, ये साइड लेके आएंगे. देखो कैसे, 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू ए प्लस 27 डी. देयरफॉर ए प्लस 27 डी इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे देखो 11 से, 11 फाइव्स आर, 11 थ्री आर, 0 0, तो ये कितना, 5 1 6 60. ये अपना इक्वेशन 1. इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं होता. करेक्ट. सो दिस इज आर इक्वेशन 1. लेट्स मूव टू व्हाट डू वी वांट नाउ. वी वांट टी 28. सो व्हाट विल बी टी 28? टी एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी. सो टी 28 विल बी व्हाट, ए प्लस 28 माइनस वन डी, दैट इज ए प्लस 27 डी. दैट इज, हमने तो पहले से निकाल के रखा है ए प्लस 27 डी, दैट इज हाउ मच, 60. देयरफॉर टी 28 इज 60. टी 28 इज 60. ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस. तुमको ये सब कुछ समझ गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 7 से. इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 27. उन्होंने बताया कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 504. वी हैव टू फाइंड द टू. ओके, आर यू एबल टू सी? यस. ओके, उन्होंने बोले कि फाइंड आउट द टर्म्स, और उन्होंने टर्म्स भी दिए हैं कि टेक द टर्म्स एज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. बी सर बोलेंगे ऐसा टर्म्स क्यों, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी भी तो ले सकते हैं. हाँ ले सकते हैं, अगर तुम लोगों को कैलकुलेशन टफ करना है तो तुम लोग ले लो.
बेशक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी आएगा, बट दिस सी व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ से डी कम है, यहाँ से डी ज़्यादा है, तो इसका फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन एकदम इजी होता है. सो दे हैव टोल्ड यू दैट टेक द टर्म्स एज फर्स्ट टर्म दिस, सेकेंड टर्म दिस एंड द थर्ड टर्म एज दिस. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहे हो, फर्स्ट कंडीशन में द सम इज 27 मीन्स ए माइनस डी. गौर से देखो, थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये क्वेश्चन, बाद में भूल जाते हैं बच्चे, करेक्ट. सम ऑफ ऑल दीज थ्री, देखो ना ये टी वन है तुम्हारे, टी टू है, टी थ्री है, करेक्ट. सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज व्हाट 27, देयरफॉर ये डी डी चला गया, क्या मिला हमको, 3 इक्वल टू 27, ए इज इक्वल टू 9, मिल गया, खुश हो गए, करेक्ट. नाउ व्हाट देयर सेइंग, देयर प्रोडक्ट इज 504, म्हणजे ए माइनस डी, देखो ये सबसे टफ पार्ट है, ए इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504, करेक्ट. उसमें से काम को सिर्फ ए पता है, डी हमको मालूम नहीं, करेक्ट. तो देखो क्या आएगा, ए इज व्हाट 9, सो 9 माइनस डी इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504. भी 9 देखो थोड़ा ऑड मैन आउट लग रहा है ना, इसको इधर लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इधर क्या रह जाएगा, 9 माइनस डी, 9 प्लस डी इक्वल टू 504 अपॉन 9. देखो ये थोड़ा फॉर्मूला जैसा लग रहा है, हम लोग 8th 9th में पढ़ते थे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट. सो ए प्लस बी ए माइनस बी, सो दिस इज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, 9 फाइव जार 45, 6 जार, करेक्ट. अभी 9 स्क्वायर कितना, 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56. इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर उधर लेके जाओ, 56 इधर लेके आओ, तो क्या मिलेगा, 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये कितना, 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो डी इज इक्वल टू, तुम लोग बोलेंगे सर 5, हमको पता है डी इज इक्वल टू 5 ही आएगा, नहीं, माइनस फाइव भी तो हो सकता है, माइनस फाइव का स्क्वायर भी 25 है, सो वी हैव टू टेक प्लस और माइनस 5. अभी डी के अपने को दो वैल्यूज आ गए, ए का वैल्यू 1 है और डी के वैल्यूज 2 है, तो हाउ टू फाइंड आउट दीज थ्री टर्म्स, तो वी हैव टू कंसिडर बोथ द सिचुएशन. सो इफ ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू 5, सो ए प्लस डी, सॉरी ए माइनस डी इज हाउ मच, 9 माइनस 5 दैट इज 4, ए कितना है 9 है, ए प्लस डी कितना है 9 प्लस 5 दैट इज 14, बराबर है, ये हो गया. नाउ सेकेंड केस, इफ ए इज इक्वल टू 9 फिक्स एंड डी इज इक्वल टू माइनस 5, सो ए माइनस डी विल बी वॉट, ए कितना 9 माइनस माइनस 5 दैट इज 9 प्लस 5 दैट इज 14, ए तो ए रहेगा 9 एंड ए प्लस डी विल बी 9 प्लस माइनस 5 दैट इज 4. अभी बोलोगे कि सर वही तो आए 14 9 4 14 9 4, नहीं, लेकिन इधर ऑर्डर भी मैटर करता है, ओके. सो हाउ विल यू राइट द आंसर, देयरफॉर द नंबर्स आर 4 9 14 और 14 9 4, ठीक है. देखो अभी तुम लोग देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट इट एज अ मूवी, तो तुमको इजी जा रहे हैं, सॉल्व करने जाओगे टेस्ट में आएगा, फिर यहाँ पे अटक जाओगे, यहाँ पे सोबर बता रहा हूँ, यहाँ पे अटक जाओगे. कम से कम 3 टाइम्स यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन चांसेस है आने का 4 मार्क को, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इफ यू राइट, यू विल बी थरो एंड यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. कुछ नहीं है, 4-5 बार करोगे तो तुम लोगों को मतलब लर्न नहीं हो जाएगा, बट
you will remember what to do, because many students I have seen in the tests while supervising, while checking the papers, यहाँ पे अटक जाते हैं, इस step के बाद उनको समझ में नहीं आता क्या करना है. So this is the way you have to do it. Okay, जिनको नहीं समझा वो लोग video rewind करके फिर से देख लो, बहुत easy है, इसमें कुछ भी नहीं, नहीं समझने जैसा कुछ भी रहा तो मुझे फोन करो. Let's move towards the next question. Similar है थोड़ा बहुत. What does the question to say? Find four consecutive terms in AP whose sum is 12. Okay, so let's first see what are the four consecutive terms. उन्होंने वो भी दिया हुआ है, I guess, correct? So it is A minus D. A minus D, A, A plus D and A plus 2D. Correct? So whose sum is 12? So according to first condition, क्या सम इज 12 मतलब क्या? a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी है ना, सबका एडिशन कितना बोल रहे हो बोलो. ट्वेल्व करेक्ट. सो ये माइनस डी प्लस डी क्या, मगर ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई बात नहीं. चलो क्या है आगे, फोर ए, 4a plus 2d equal to 12 है ना, डिवाइड इस टर्म बाय 2, 2a plus d is equal to 6, इक्वेशन 1. नेक्स्ट क्या बोल रहे बोलो, नेक्स्ट वो लोग बोल रहे कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, देखो ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है ना, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 14 करेक्ट, वही दिया हुआ है उन्होंने. सो इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या मिला, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14. अभी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमको, करेक्ट. तो देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो देखो 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये चला गया, क्या रह गया, 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8, d इज इक्वल टू 4, d मिल गया, a चाहिए कहीं पे भी पुट कर दो है ना, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. सो 2a प्लस d कितना, 4 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2a इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1. नाउ यू हैव गॉट a, यू हैव गॉट d, करेक्ट, देयरफॉर a माइनस d, a माइनस d क्या होगा, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, a क्या होगा, 1, a प्लस d, 1 प्लस 4 इज 5 एंड ए प्लस 2d दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 9. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर माइनस 3, 1, 5 एंड 9. देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है. फिर से बता रहा हूँ कैसा करना है. चार नंबर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सबको ऐड किया, 12 दिया हुआ है उन्होंने, सॉल्व किया, यू गॉट फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड कंडीशन, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, सॉल्व किया, मिल गया. फिर क्या किया, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, डी मिला, डी का वैल्यू पुट करो, ए मिला, ए मिला, डी मिला, फिर तुम लोगों को बस ये टर्म्स है तुम्हारे, इसमें बस इसको पुट करके फाइंड आउट करना है, एकदम इजी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज इन द लास्ट एक्सरसाइज वी हैड सीन, द लास्ट क्वेश्चन वाज एकदम थोड़ा बहुत डिफरेंट था, एंड आई टोल्ड यू दैट
these type of questions you have to practice again and again, otherwise you will forget in the exam. मैंने बताया था, तो वही है टाइप का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू मतलब अंडरस्टैंड तो करना ही है, पर चार पांच बार लिखोगे तो याद रहेगा कि कैसे करना है, वरना तुम लोग 101% कितना भी होशियार बच जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, देखो तुम लोग भूल जाओगे एग्जाम में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. बोले कि सर ये क्या बेहुदा सवाल है, एकदम फालतू सवाल, ऐसा कोई कनेक्शन है? आधे बच्चे तो पूछते हैं कि सर इसका मेरे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होगा, है ना? लेकिन फिलहाल तो इसका यूज होता है, पेरेंट्स को खुश करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए इसका डेफिनेटली यूज होगा, इसलिए ध्यान देंगे. ओके, सो वॉट इज गिवन टू यू, T9 इज 0, आई एम गोइंग टू शो दैट T29 इज ट्वाइस T19. तो देखो कैसे करेंगे. Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, हमको पता है. नाउ नाउ T9 इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1d, पर T9 तो 0 है, ए प्लस 8d, मतलब ए प्लस 8d कितना आया, 0. इसको दे देंगे इक्वेशन 1. अभी T19 निकलेंगे, T19 कितना है देखो, गौर से ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कलर बदल के लिखता हूँ इफ यू वांट. T19 इज व्हाट, ए प्लस 19 माइनस 1 डी, दैट इज ए प्लस 18 डी. इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस ये 18 डी को स्प्लिट करके 8 डी प्लस 10 डी लिख रहा हूँ मैं, ये 18 डी स्प्लिट हो गए. चलिए तो इसको मैं ब्लू में रखता हूँ ऐसा, है ना, 18d को लिखा 8d प्लस 10d, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है a प्लस 8d कितना, 0, दैट इज 0 प्लस 10d, देयरफॉर T19 इज व्हाट, 10d. बोलेगी कि सर कितने होशियार है, इक्वेशन नंबर 2 इधर क्या लिखोगे, फ्रॉम 1. अभी निकालेंगे क्या हम लोग, T29 क्या होगा, a प्लस 29 माइनस 1 डी, दैट इज a प्लस 28 डी, दैट इज इसको फिर से कैसे स्प्लिट करेंगे, a प्लस देखो 28 डी को यहाँ पे क्या होता है वैसा 8 डी प्लस 20 डी, क्यों किया रे भाई, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है a प्लस 8 डी की कितनी, 0 प्लस 20 डी, करेक्ट. देयरफॉर व्हाट डिड वी गेट, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, व्हाट डिड वी गेट, T29 इज इक्वल टू 20 डी, करेक्ट, मतलब ही 2 × 10d, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते, 2 × 10d 20d हो गया, दैट इज 2 × लेकिन 10d क्या है रे बच्चों, T19 है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेगी रीजन फ्रॉम 2, देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 2 × T19, हो गया प्रूफ. ये तो प्रूव करना था, T29 इज इक्वल टू 2 × T19, ये प्रूव करना था, हो गया प्रूफ. क्या है इसमें, समझा बच्चों, देखो एकदम इजी है, कुछ भी डाउट रहा तो मुझे पूछो. वी हैव डन द होल एक्सरसाइज टुडे, so I'm giving you one day to write the whole thing in your books to solve it. okay, अच्छे से करेंगे, and let's meet soon for the last exercise, application of AP, उसमें हम लोग करेंगे. okay, so stay home, stay safe and enjoy.